तो दोस्तों चलते हैं काली स्थान। आज मेला का मेन दिन है और ये एक देख सकते हैं गली वाला शॉर्टकट रास्ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ध्वजा भी यहाँ से दिखाई दे रहा है काली स्थान का। और चलते हैं देखते हैं क्या कार्यक्रम हो रहा है, मेला का आयोजन के लिए क्या तैयारियाँ चल रही है। तो देख सकते हैं ये पहुँच चुके हैं काली स्थान, और जैसा कि देख सकते हैं आप भी यहाँ पर चंदा ये उघा करके आए हैं सभी लोग। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों और सभी लोग चंदा के लिए गए थे। चंदा बोलने से दोस्तों ये है कि सभी का योगदान इसमें कुछ रुपयों के द्वारा किया जाता है, और सभी का यहाँ पर मुख्य योगदान होता है कुछ ना कुछ रुपया के साथ, जैसे 51 रुपया, 101 रुपया, जितना जिसको संभवतः हो पाता है उसके हिसाब से। और देख सकते हैं यहाँ मूर्ति भी बन रहा है और अधूरा बना हुआ है, और अभी बहुत सारा काम बाकी है। इधर भी कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग बैठ करके बातचीत चल रहा है किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी तैयारियाँ चल रही है पूरा, और आज ही के दिन ये मेला शाम तक में कंप्लीट करना है। जैसा कि देख सकते हैं पिंडी भी, जो कि काफ़ी पुराना काली स्थान का कंझिया में पिंडी है। कंझिया जैसा कि आपको बताए थे पहले भी मेरा गांव है और यही है। देख सकते हैं यहाँ पर आज रामनवमी का दिन में यहाँ पर ध्वजा भी स्थापित किया जाएगा, और ये देख सकते हैं इधर कुछ कुछ काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है, टेंट उंट का ये सब काम भी आज कंप्लीट करना है। तो आज मेला का मेन दिन है जैसा कि बताएं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्ची होता है जिसके द्वारा चंदा को उघाया जाता है। और चलते हैं आज अब जल भरने का भी काम है, तो दोस्तों देख सकते हैं जल भरने के लिए सभी लोग निकल चुके हैं, और ये करीब 10 से 15 किलोमीटर का दूरी होता है जो कि गंगा नदी पड़ता है दोस्तों, और वो गंगा नदी हो करके यहाँ पर सभी लोग आते हैं जल भरने के लिए। और ये जल सुबह के टाइम में सभी लोग आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जल उठाते हैं, और कंझिया में जो आपको अभी काली स्थान दिखाए थे काली स्थान में जल को चढ़ाया जाता है। उसके बाद दिन भर पूजा पाठ किया जाता है और शाम में मेन मेला का आयोजन होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों देख सकते हैं ये मैं भी आया हुआ हूँ और यहाँ पर लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों गंगा घाट पर पहुँच चुके हैं, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको भी जल भरने का मौका मिला है। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग ये गाँव के बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं, और ये जुगाड़ू टाइप से देख सकते हैं ये बना दिए हैं स्विमिंग पूल, और यहाँ पर सभी लोग पूरा आनंद ले रहे हैं नहा करके। तो इस प्रकार से अभी हम भी जाते हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है कंप्लीट, और जल लेकर के सभी लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से एकजुट होकर के सभी काली स्थान पहुँचेंगे और वहाँ पर जल भरेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट पहुँच चुके हैं सभी लोग एक जगह, और ये देख सकते हैं तो भाई देख सकते हैं ये है मेरा खेत इधर, और यहाँ बांस का बेड़ा जो बोलते हैं यहीं से भी बांस काटेंगे, यहीं से बांस काटा जाएगा दोस्तों। और अभी यहाँ से के नदी है नीचे में छोटा मोटा, मछली यहाँ है क्या रे। तो देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा लग रहा है, और यहाँ पे मछली भी इसमें बहुत है सारा लग रहा है। और ये है बांस का बेड़ा यही छोटा सा, इसी से एक बांस निकालेंगे और वहाँ पर इसको गाड़ा जाएगा। ऐसो आना इधर एक तो काटना है, देखो तो कौन बढ़िया है। जो हमारे पंचायत के भूतपूर्व सरपंच सुनीता देवी जी हैं उनका मल्यार्पण करेंगे, शोभा देवी जी। जो बहुत ताली बनाएंगे वर्तमान में 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं शोभा।
शारदा देवी जी, उनका मल्यार्पण ना। तो दोस्तों, उद्घाटन समारोह समाप्त होता है और उद्घाटन भी हो चुका है और ये तैयारियां भी चल रही है। देख सकते हैं धागा भी काट करके लाए हैं और उसको अभी तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ कुछ लगाए जा रहे हैं, रस्म किए जा रहे हैं और इसको करने के बाद जो कि उसमें गाड़ा जाएगा। और देख सकते हैं शाम हो, तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और माता रानी भी अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी हैं। करीब 12 बज रहे हैं रात, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माता रानी अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन दे चुके हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। और पूजा पाठ भी स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर पंडित जी भी अपना पूजा पाठ स्टार्ट करा चुके हैं और तैयारियाँ भी लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। 12 बज रहे हैं अभी के समय में, देख सकते हैं अभी आपको टाइम दिखाते हैं, देख सकते हैं 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं और 12 बजे कंप्लीट माता रानी को स्थान पर बैठा। चलो भाई, Yeah!
एकदम तस्लीम काली महारानी के अगर व्यक्ति चला रहे पकड़ो।